हेलो एंड वेलकम यू ऑल आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री जो है वो हमने पहले पढ़ लिया अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वीडियोस देखें फिर क्वेश्चन नंबर फोर पर हम पढ़ेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है एक्सप्रेस जीरो पॉइंट नाइन 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 इन द फॉर्म ऑफ पीपन क्या हो ठीक है आपके पास एक डेसिमल दिया हुआ है जीरो एंड सो ऑन इसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पी एपन क्या हो आर यू सरप्राइज़ बाई यर आंसर कहता है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होंगे अभी हम निकालेंगे आंसर फिर हम देखते हैं क्या हो हम सरप्राइज़ होंगे या नहीं विद यर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई आंसर मेक सेंस ठीक है ये आंसर क्यों सेंस बना रहा है वो हमें डिस्कस करना है टीचर के साथ ठीक चलिए सबसे पहले तो हम इसका आंसर निकालेंगे है क्या इसका आंसर ठीक है हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे हमारे पास ये जो, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हम मान लेंगे एज्यूम दैट Assume that, कि एक्स किसके बराबर है हम इस जो हमारे पास डेसीमल है इसको हम मान लेंगे एक्स के बराबर ठीक है फिर हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन वन हम नाम देंगे फिर हम मानेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टेन बोथ साइड ठीक है हमने दोनों तरफ क्या टेन को मल्टीप्लाई करना है तो टेन इंटू एक्स क्या बन जाएगा टेन एक्स जीरो पॉइंट नाइन 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 इंटू टेन क्या हो जाएगा ये जो जीरो पॉइंट है ये वन डिजिट आगे चला जाएगा ये बन जाएगा नाइन पॉइंट नाइन 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 एंड सोन ठीक है इसको हम लिखेंगे इक्वेशन टू ठीक देखो अब हमें क्या करना है हम करेंगे सब्ट्रैक्ट ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना इसको फर्स्ट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ठीक है क्या आएगा हमारे पास आंसर दिस इंप्लाइज इक्वेशन फर्स्ट को जब हम second से सेक्ट करेंगे second equation का, 10x, से subtract first equation का x करेंगे, तो मनेगा -x, है एक्सन पॉइंट नाइन 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 एंड सो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन 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 एंड सो वन ठीक देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है this implies, में से 1x चले जाएगा तो हमारे पास बचेगा नाइन एक्स ठीक दिस इक्व टू नाइन पॉइंट नाइन 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 में से जीरो पॉइंट नाइन नाइन कैसे हम सब्ट्रेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ आपको जैसे नाइन पॉइंट नाइन 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 एट सो वन है इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो नाइन 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 ठीक है जीरो 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 पॉइंट नाइन है ना तो हमारे पास क्या आएगा आंसर नाइन पॉइंट जीरो जीरो मतलब नाइन ठीक अब जब हम एक्स को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो एक्स क्या किस क्या बन जाएगा नाइन अपॉन नाइन ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा ठीक देखो एक्स हमने क्या सपोज किया था एक्स हमने सपोज किया था ज़ीरो पॉइंट नाइन 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 लेकिन एक्स हमारे पास क्या आया वन और हालांकि हमें पता है जीरो पॉइंट नाइन 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 और ज़ीरो पॉइंट वन वन के बीच में कितना डिफरेंस है जीरो पॉइंट जीरो 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 वन एंड सो वन ये इतना छोटा नंबर छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में ठीक है ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है आपके लिए कि नहीं आपने एक्स को जीरो पॉइंट नाइन नाइन सपोज किया था लेकिन आपने आंसर क्या निकाला एक्स को कि वन है ना ये आपके लिए सरप्राइजिंग है क्यों क्योंकि ये जीरो पॉइंट नाइन 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 इतना क्लोज है वन के कि हम इसको जो डिफरेंस है उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं ठीक है वी निगलेक्ट डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन जीरो पॉइंट नाइन एंड वन ठीक सो इसका मतलब 0.999 को हम अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर मानेंगे वन के ही बराबर मानेंगे ठीक है यही हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी क्या कि एक्स को हम 0.99 पॉइंट नाइन करेंगे और लेकिन हम लास्ट पे एक्स को क्या प्रूव करेंगे वो वन के बराबर है क्यों क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है इतना समाल है कि हम वो डिफरेंस जो है बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द decimal एक्सपेंशन वन बाई सेवन ठीक है वन बाई सेवन आपको क्या दिया हुआ है एक रैशनल नंबर दिया हुआ पी पान की फॉर्म में ठीक है कह रहे हैं जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे ठीक है कितने डिजिट्स के बाद उस वो जो नंबर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा ठीक है परफॉर्म डिवीजन एंड चेक यर आंसर ठीक है हमें इसको डिवाइड करना है और हम अपना आंसर निकालेंगे ठीक हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है वन अपॉन सेवनटीन ठीक तो हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने सीखा है डिवाइड कैसे करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे हम बाहर सेवनटीन ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे अंदर वन ठीक तो सबसे पहले तो सेवनटीन के टेबल में वन नहीं आता तो हम पॉइंट लगाएंगे ये बनेगा टेन लेकिन फिर हम फिर भी हमें पता है कि टेन भी नहीं आता तो एक और ज़ीरो लगाएंगे ये बन जाएगा हंड्रेड ठीक है तो सेवनटीन फाइव ज़ा कितना होता है एटी फाइव सेवेंटीन फाइव एटी फाइव हंड्रेड में से एटी फाइव जब सेप्ट्रैक्ट किया हमारे पास कितना आएगा फिफ्टीन ठीक अब सेवनटीन की टेबल में फिर से फिफ्टीन नहीं आता तो हम क्या बनाएंगे इसको वन फिफ्टी बनाएंगे ठीक सेवनटीन ऐटा uh, कितना होता है वन थर्टी सिक्स सेवनटीन ऐटा वन थर्टी सिक्स अगर नहीं आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ठीक है वन फिफ्टी में से वन थर्टी सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे हम हमारे पास आएगा फोर्टीन आंसर ठीक है सेवनटीन के टेबल में फिर से फोर्टीन नहीं आता है तो हम इसको जीरो लगाकर वन फोर्टी बना देंगे ठीक है फिर सेवनटीन एट जा वन थर्टी सिक्स आप लिखेंगे हम वन थर्टी सिक्स ठीक 140 में से 136 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप सिंपली ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 10 में से 6 के 4 ठीक है 3 में से 3 के 0 तो 4 ही आएगा ठीक फिर से 17 के टेबल में 4 तो नहीं आता हम फिर से इसको 0 लगाएंगे 40 बन जाएगा ठीक है फिर 17 टू 17 टू ज थर्टी ठीक 40 में से 34 फोर सब्ट्रैक्ट किए किए हमने क्या बन जाएगा सिक्स ठीक फिर सिक्स जो सेवनटीन के टेबल में नहीं आता तो हम फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे ये बन जाएगा कितना सिक्सटी ठीक है फिर सेवेंटीन थ्री ज़ा कितना होता है फिफ्टी वन सेवनटीन थ्री ज़ा फिफ्टी वन ठीक तो सिक्सटी में से फिफ्टी वन सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा नाइन फिर से सेवनटीन के टेबल में नाइन तो नहीं है तो हम फिर से जीरो लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा नाइन ठीक है फिर से सेवन फाइव कितना होता है एटी फाइव सेवनटीन फाइव ज़ा एटी फाइव ठीक नाइनटीन में से एटी फाइव तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा फाइव ठीक फिर से फाइव तो नहीं आ, होता है सेवनटीन के टेबल में हम जीरो लगाएंगे ये बन जाएगा फिफ्टीन ठीक है तो फिफ्टी जो है सेवनटीन थ्री जो फिफ्टी वन होता है लेकिन सेवनटीन टू ज कितना होता है सेवनटीन टू ज थर्टी फोर सेवेंटीन टू ज थर्टी फोर ठीक फिफ्टी में से थर्टी फोर सेब किया तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा सिक्सटीन uh, ठीक सेवनटीन के टेबल में फिर से सिक्सटीन तो नहीं जाता तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे वन सिक्सटी ठीक वन सिक्सटी सो सेवेंटीन नाइन कितना होता है वन फिफ्टी थ्री ठीक है वन सिक्सटी में से जब वन फिफ्टी थ्री करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा सेवेंटी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सेवेंटी ठीक है फिर से आ, आ, 17 सेवनटीन फोर कितना होता है सिक्सटी एट तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा टू ठीक फिर ये बन जाएगा ट्वेंटी ठीक ट्वेंटी तो यहाँ पर फिर से सेवनटीन वन ज़ा सेवेंटीन ट्वेंटी में से सेवनटीन के फिर से हमारे पास क्या है थ्री फिर से बन जाएगा थर्टीन फिर से हम करेंगे सेवनटीन वन जैनटीन क्योंकि थर्टी तो सेवेंटीन के टेबल में नहीं जाता तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर टेन में से सेवन गे थ्री और टू में से वन गए थर्टीन वन थर्टी बचेगा ठीक है तो सेवनटीन सेवनजा uh, कितना होता है वन हंड्रेड नाइन्टीन वन हंड्रेड नाइन्टीन ठीक हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर बचेगा एलेवन एलेवन ये कितना बन जाएगा वन हंड्रेड टेन ठीक है फिर सेवनटीन सिक्स ज़ा कितना होता है वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड टू ठीक वन हंड्रेड टेन में से जब वन हंड्रेड टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा एट ठीक है एट का फिर से बन जाएगा एटी और सेवनटीन कितने जहाँ होता है एटी सेवनटीन फाइव ज़ा होता है एटी फाइव और सेवनटीन फोर ज़ा कितना होगा सिक्सटी एट सेवनटीन फोर ज़्या कितना हो गया सिक्सटी एट ठीक है थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन है आपको जस्ट सेवनटीन का टेबल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली करोगे नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने करते 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 तो आप चलेंगे ठीक एटी में से सिक्सटी एट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा ट्वेल्व ठीक है ये बन जाएगा वन ट्वेंटी ठीक सेवनटीन सेवन जे कितना होता है सेवनटीन सेवन जा होता है हमारे पास वन हंड्रेड नाइन्टीन वन हंड्रेड नाइन्टीन ठीक वन ट्वेंटी में से वन ट्वेंट्रेड नाइनटीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन ठीक देखो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास रिमाइंडर क्या था यहाँ पर यहाँ पर वन से स्टार्ट किया था वन ज़ीरो जीरो हंड्रेड यहाँ पर भी जब हम करेंगे ये हंड्रेड ठीक यहाँ से फिर से हंड्रेड जब आ गया ना तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ठीक यहाँ पर भी हंड्रेड था इसका मतलब यहाँ से फिर से वही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचा वो क्या आया हमारे पास क्वेश्चन आया हमारे पास कितना ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एट एट टू थ्री फाइव टू नाइन फोर फाइव वन वन सेवन सिक्स फोर सेवन एम रियली सॉरी बहुत लंबा डिवीजन है लेकिन आपको करना है ठीक इसके ऊपर हम क्या डालेंगे बार ठीक ये आपके पास क्या आ गया इसका क्वेश्चन ठीक इसने क्वेश्चन में क्या आप पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या कितने होंगे उसके बाद जब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर सेवनटीन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट होगी ठीक है इसी तरीके से आपको ये डिवीजन करना है ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और एट ठीक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में